नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर आ गई एक और नई कहानी के साथ जिसका नाम है परफेक्ट तो सास भी नहीं होती। और नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गरिमा रविवार की शाम को रसोई घर में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी सास सुधा जी रसोई घर में आई और गरिमा से बोली, बहू अभी मेरी सहेली प्रेमा का फोन आया था, वो थोड़ी ही देर में हमारे यहाँ आने वाली है, चलो हम दोनों मिलकर कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना लेते हैं। गरिमा ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी, अपनी सहेली से मिलकर आपका मन भी खुश हो जाएगा। उसके बाद दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाना शुरू किया। हलवा और पोहा बन चुका था। सुधा जी ने जैसे ही समोसे के लिए आलू का भरावन बनाना शुरू किया, तभी उनकी सहेली आ पहुंची। वो प्रेमा जी को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उनसे कहा, तू थोड़ी देर हॉल में बैठ, मैं अभी रसोई घर से थोड़ा सा काम खत्म करके आती हूँ। उनकी सहेली हॉल में बैठकर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। सुधा जी ने फटाफट समोसे का भरावन तैयार किया। तब तक गरिमा चाय बना चुकी थी। गरिमा बोली, मम्मी जी अब आप अपनी सहेली के साथ बैठिए, मैं समोसे तलकर लाती हूँ। सुधा जी हॉल में आकर अपनी सहेली से बातें करने लगी। तब तक सुधा ने बाकी का नाश्ता और गर्मा गर्म चाय टेबल पर सजा दिया और समोसे तलने के लिए रसोई घर में चली गई। प्रेमा जी ने हलवे का एक चम्मच मुंह में डालते हुए कहा, वाह हलवा तो बहुत बढ़िया बनाया है तूने। सुधा जी ने हंसते हुए कहा, अरे हलवा तो मैंने नहीं बनाया, बहू ने बनाया है। अच्छा तो तू रसोई घर में क्या करने गई थी, प्रेमा जी ने पूछा। अरे वो तो मैं समोसे का भरावन बनाने के लिए गई थी। बहू को समोसे का भरावन अच्छे से बनाना नहीं आता ना, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी, सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तेरी बहू को समोसा बनाना नहीं आता, उसकी शादी को 1 साल होने को आए और तू उसे अभी तक समोसा बनाना भी नहीं सिखा पाई, प्रेमा जी ने पूछा। सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं सीख पाई है तो सीख जाएगी, और मैं कौन सा रोज रोज समोसा बनाती हूँ जो वो झट से सीख जाए, बेचारी दिन भर ऑफिस में काम करती रहती है और उसे तो बाहर के जितने काम होते हैं वो सब करना आता है, बैंक का काम हो या बिजली बिल जमा करना हो, कोई भी काम हो झट से कर देती है, अगर समोसा नहीं बना पाती तो क्या हुआ, उसकी शादी को तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मुझे देख मेरी शादी को कितने साल हो गए, मुझे तो अभी तक बाहर के काम करने में दिक्कत होती है, उसे मैं क्या बोलूं, कमियां तो मुझ में भी बहुत सारी हैं, अगर बहू परफेक्ट नहीं तो सास भी तो परफेक्ट नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे भी नहीं आते। प्रेमा जी ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। सुधा जी ने आगे कहा, जरूरी नहीं कि सबको हर काम आए, कोई किसी काम में निपुण होता है तो कोई किसी और काम में, हाँ हमें जो काम नहीं आता वह हमें सीखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां तो हम सब में ही होती हैं। प्रेमा जी ने सहमत होते हुए कहा, हाँ यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे तो रसोई घर से समोसे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो फटाफट से समोसा भी खिला दे। तभी गरिमा समोसे की प्लेट लेकर आई और तीनों मिलकर नाश्ते का मजा लेने लगी। दोस्तों हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं। हमें उन्हें उनकी कमियों के साथ प्यार से स्वीकार करना चाहिए और उनकी कमी निकालने के बजाय उन्हें प्यार से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।